से 35 वर्षों से एक पार्टी का समर्थन करते हैं, अपना तन मन और धन से समर्थन करें, लेकिन वो पार्टी हमें बंधुआ मजदूर समझने लगती है। वो पार्टी समझती है कि हमारी मजबूरी है कि हम उनको वोट देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में उस पार्टी के बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव, राजस्थान के रहने वाले, वो बिहार आके स्टेटमेंट देकर जाते हैं कि भूमिहार जाएंगे कहां। बिहार में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या है। यहाँ 65 से 68% आबादी युवाओं की है। जब विपक्ष में रहते हैं तो रोजगार की बात करते हैं, सत्ता मिलते ही रोजगार को भूल जाते हैं। ये बातें राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने शनिवार को मधुबनी के बाबू साहब चौक स्थित एक विवाह भवन में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए किसी पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं है। राष्ट्रीय जनजन पार्टी इसके लिए रोड मैप तैयार करेगी, जिसमें यहाँ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। अभी पार्टी संगठन का विस्तार कर रही है। प्रत्येक बूथ पर 5 लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर सुधीर ठाकुर ने किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार टुन्ना, प्रदेश उपाध्यक्ष रवि रंजन ठाकुर, प्रदेश मीडिया प्रभारी एनके मिश्रा, जिलाध्यक्ष रंजीत ठाकुर, जिला प्रवक्ता अनु ठाकुर, जिला किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चंदन कुमार, डॉक्टर कमलेश कुमार राय सहित कई लोग मौजूद थे। 35 वर्षों से एक पार्टी का समर्थन करते, अपना तन मन और धन से समर्थन करें, लेकिन वो पार्टी हमें बंधुआ मजदूर समझने लगती है। वो पार्टी समझती है कि हमारी मजबूरी है कि हम उनको वोट देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में उस पार्टी के बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव, राजस्थान के रहने वाले, वो बिहार आके स्टेटमेंट देकर जाते हैं कि भूमिहार जाएंगे कहां। तो ये समाज सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब कुछ बर्दाश्त करेगा, अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। वो 90 का दौर वापस ना आ जाए, केवल इसलिए हम लोग आपको समर्थन देते रहे। हमारे पूर्वज आज के 40 साल पहले, कई बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग यहां बैठे, हमारे जब तक पूर्वज कांग्रेस को साथ देते रहे, तो इसी बिहार विधानसभा में 52-54 की संख्या में भूमिहार जाति के विधायक हुआ करते थे। और जब से हम भाजपा के साथ देने लग गए, तो घटते घटते 2015 में हम 17 पर आ गए। और बावजूद इसके हम आपको समर्थन दे रहे थे, लेकिन जब आप 19 में हमारे स्वाभिमान को लड़कारे कि भूमिहार जाएगा कहां, इसकी मजबूरी है, मेरे पास ही रहेगा, तो हमने बोचहा में आपको औकात बताया, हमने एमएलसी चुनाव में आपको औकात बताया, और हमने परशुराम जयंती में आपके दुश्मन तेजस्वी यादव को मुख्य अतिथि बनाकर आपको संदेश दिया कि यदि आप हमें अपमानित कीजिएगा, तो आपके दुश्मन का हाथ पकड़कर, आपका हाथ पकड़कर आपको गद्दी से नीचे उतार। ये समर्थन ठीक है, लेकिन स्वाभिमान बेचकर नहीं। समर्थन ठीक है, लेकिन अधिकार खोकर नहीं। शादी ब्याह में हम लोग जानते हैं किस तरह के समर्थक थे। शादी ब्याह में दो तरह के फूफा जी होते हैं। एक तो होते हैं जो ससुराल में जाके खुद ही झाड़ू मारते रहते हैं, खुद ही पानी भरते रहते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। उनको लोग बोलता है दूरी, तो रोज ससुराले में रहते हैं, पानी भरते रहते हैं, झाड़ू मारते हैं। और एक फूफा जी शादी ब्याह में सिकड़ी के लिए, अंगूठी के लिए, चैन के लिए रुक जाते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।